थे ये साजिशी थ्योरियां। आप कहते हैं ड्रोन हमला, ड्रोन हमला कोई सुई थी के अंदर चली गई जिसका पता नहीं चला, कोई आईडी फटती है जमीन में गड़ा पड़ता है कि नहीं पड़ता है, आप जाए जाके देखें साइट मौजूद है, कौन सा मुझे गड़ा कोई दिखा दे, छत के ऊपर कोई धमाके का निशान है, बिल्कुल फजूल बातें हैं। हम उस दहशतगर्द के नेटवर्क के नजदीक है कि हम अपने एक एक शहीद का बदला लेंगे, कुर्बानियों को रायगा नहीं होने देंगे इंशाल्लाह। शहदा की कुर्बानियों को रायगा नहीं जाने देंगे, एक एक शहीद का बदला लेंगे, आईजी खैबर पख्तूनख्वा मौसम जानसारी की न्यूज कॉन्फ्रेंस। कहा पुलिस लाइंस धमाके में मुलव्वज़ दहशतगर्द नेटवर्क के नजदीक हैं, सीसीटीवी फुटेजेस में खुदकुश दहशतगर्द का चेहरा देख लिया है, हमलावर को ट्रेस कर लिया है। खुदकुश दहशतगर्द पुलिस यूनिफॉर्म में था, पुलिस लाइंस में दाखिल होकर हवालदार से मस्जिद का रास्ता पूछा, धमाके के मुलजमान को आवाम के सामने लाऊंगा। धमाके में TNT बारूद इस्तेमाल किया गया, धमाके में 5 से 10 लोग शहीद हुए होंगे, दीगर शहादतें मस्जिद की छत गिरने से हुई। मेरे जवानों की लाशों पर सियासत ना की जाए, मुझे काम करने दे, मुझे ज्यादा तंग ना करें। शेख रशीद गिरफ्तार, इस्लामाबाद पुलिस ने साबिक वफाकी वजीर को थाना सेक्रेटेरिएट मुंतकिल कर दिया गया। थाना पारा में दर्ज FIR के मतन के मुताबिक शेख रशीद ने आसिफ जरदारी पर इमरान खान के कत्ल की साजिश का इल्जाम लगाया, कहा कि आसिफ जरदारी ने दहशतगर्दों की खिदमत हासिल की हैं। शेख रशीद ने बयान तैयार करदा साजिश के तहत दिया, मकसद साबिक सदर को बदनाम करना था। शेख रशीद आसिफ जरदारी और उनके खानदान के लिए मुस्तकिल खतरा पैदा करना चाहते हैं। शेख रशीद के मुताबिक इन्हें इमरान खान के कत्ल की साजिश का इल्म है। मुकदमा पीपल्स पार्टी रावलपिंडी के नायब सदर राजा इनायत की दरख्वास्त पर दर्ज किया गया। पुलिस शेख रशीद को आज रिमांड के लिए अदालत में पेश करेगी। थाने में शेख रशीद की सिगार का कश लगाते हुए तस्वीर वायरल। सारे बदमाश हैं, ये घरों में दाखिल हुए हैं सीढ़ियाँ लगा के, इन्होंने दरवाजे तोड़े हैं, बदतमीजी की है और तमाम मुलाजमीन को मारा है और ज़बरदस्ती मुझे डाला है इन्होंने गाड़ी में और ये यहाँ ले राना जो है सनाउल्ला, ये सारे काम करा रहे हैं, सारे घर के दरवाजे तोड़े हैं, खिड़कियाँ तोड़ी हैं और इन्होंने बेतहाशा मारा है मुलाजमों को और ये उठा के लाए हैं। शेख रशीद का वजीर दाखिला राना सनाउल्ला पर इंतकावी कार्रवाई का इल्जाम, मीडिया से बात करते हुए कहा यह सारे काम राना सनाउल्ला करवा रहा है, उसे नहीं छोड़ूंगा। पुलिस ने घर के दरवाजे और खिड़कियां तोड़ दी, मुलाजिमों पर तशद्दुद किया, इमरान खान के साथ खड़ा हूं, हक की फतह होगी। चेयरमैन PTI इमरान खान की शेख रशीद की गिरफ्तारी की मजम्मत, ट्वीट किया कि तारीख में इतनी मुतासिब और इंतकामी निगरान हुकूमत नहीं मिली, हमें सड़कों पर आने के लिए मजबूर किया जा रहा है, ऐसे वक्त में जब मुल्क इंपोर्टेड हुकूमत के हाथों दिवालिया हो चुका हो, पाकिस्तान किसी एहतजाजी तहरीक का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। मुबैना बेटी को जाहिर ना करने पर इमरान खान के खिलाफ नाअहली केस, इस्लामाबाद हाईकोर्ट का समाअत के लिए लार्जर बेंच बनाने का फैसला, केस की समाअत चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने की। इमरान खान की जानिब से वकील अबूजर सलमान खान पेश हुए, चीफ जस्टिस ने कहा आइंदा हफ्ते के लिए लार्जर बेंच बना रहा हूँ, मजीद समाअत 9 फरवरी तक मुलतवी कर दी गई। तहरीक इंसाफ की फंडिंग ममनुआ थी या नहीं, इस्लामाबाद हाईकोर्ट आज अहम फैसला सुनाएगी। तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ अपील दायर की थी, लार्जर बेंच ने 11 जनवरी को फैसला महफूज किया था। इलेक्शन कमीशन ने PTI की फंडिंग को ममनुआ करार दिया था, तहरीक इंसाफ को शोकॉज नोटिस जारी कर रखा है। पाकिस्तान और IMF के मुज़ाकरात का तीसरा दौर आज होगा, इक्तिसादी और तवानाई के शोबे में इस्लाहात, नज़रसानी शुदा डेब्ट मैनेजमेंट प्लान समेत दीगर उमूर ज़ेरे गौर आएंगे। पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुज़ाकरात नवे इक्तिसादी जायजे के लिए हो रहे हैं।
पंजाब और केपी में आम इंतखाबात कब होंगे? दोनों गवर्नर ने इलेक्शन की कोई तारीख ना दी। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन के मुताबिक गवर्नर ने ताहाल इंतखाबात की तारीख से आगाह नहीं किया। गवर्नर केपी का इलेक्शन कमीशन को खत आम इंतखाबात से पहले कानून नाफिज करने वाले इदारों से मुशावरत की तजवीज़ दे दी। गवर्नर पंजाब में भी सूबे में आम इंतखाबात की तारीख देने से गुरेजा, इलेक्शन कमीशन के खत का जवाब दे दिया। बलीगुल रहमान ने कहा, मुल्क में अमनो अमान और माशी सूरत हाल ठीक नहीं, इलेक्शन की तारीख से पहले तमाम स्टेक होल्डर से मुशावरत जरूरी है। आईएमएफ की एक और शर्त मंजूर, हुकूमत का बिजली मजीद महंगी करने का फैसला। कीमत में आइंदा माह 3 रुपए फी यूनिट इजाफा होगा। मई में 70 पैसे फी यूनिट इजाफा किया जाएगा। नए माली साल के पहले महीने तक बिजली 4 रुपए फी यूनिट महंगी की जाएगी। आईएमएफ का 300 यूनिट तक सब्सिडी की तजवीज खत्म करने का मुतालबा। कहा, सिर्फ 100 यूनिट तक गरीब सार्फिन को सब्सिडी दी जाए। 4100 अरब का गर्दिशी कर्जा भी खत्म करने का मुतालबा रख दिया। गर्दिशी कर्ज में 952 अरब रुपए को एडजस्ट किया जाएगा। सार्फिन को मिलने वाली 675 अरब रुपए की सब्सिडी खत्म होगी। बैंक्स को सरकारी अफसरान के असासजात की तफसीलात तक मशरूत रसाई भी दे दी गई। पाकिस्तान और आईएमएफ में तवानाई के शोबे पर मुजाकरात। हुकूमत ने नजरसानी शुदा सर्कुलर डेट मैनेजमेंट प्लान आईएमएफ को दे दिया। मिनी बजट पर भी बातचीत। जनरल बाजवा से कोई इख्तलाफात नहीं थे, हम एक पेज पे थे। इख्तलाफ पहला ये हुआ कि एक्सटेंशन के बाद जनरल बाजवा ने बार बार हमें कहा कि इनको एनआरओ दे दो, जो हमने रिफ्यूज कर दिया। दूसरा इख्तलाफ उनसे हुआ जनरल फैज के ऊपर। एक क्यामत की निशानी आ गई है। आसिफ जरदारी ने मेरे ऊपर हरजाना कर दिया, डेफमेशन कर दिए। डेफमेशन का क्या मतलब होता है कि मेरी रेपुटेशन को नुकसान पहुंचाया गया है। सबसे पहले वो आपसे पूछेंगे, क्या आपकी कोई रेपुटेशन है जो खराब हुई है, उसको नुकसान पहुंच सके। दहशतगर्दी और महंगाई का जिम्मेदार मैं नहीं, वो है जो मुझसे पहले हुकूमतों में रहे। आसिफ जरदारी से मुतालिक बयान पर कायम हूँ। आसिफ जरदारी शौक से हतके इज्जत का दावा करें। इमरान खान का कौम से खिताब, कहा हतके इज्जत का दावा वो करते हैं जिनकी अपनी कोई इज्जत होती है। जरदारी के खिलाफ पूरी किताब लेकर अदालत पहुँचूंगा। जरदारी ने मेरे कत्ल के लिए दहशतगर्दों के एक नाराज ग्रुप को पैसे दिए। जनरल बाजवा से इख्तलाफ एनआरओ और जनरल फैज के मामले पर हुआ। इलेक्शन मुलतवी करने के लिए सानहा पिशावर को इस्तेमाल करने का इल्ज़ाम लगा दिया। कहा गवर्नर ने इलेक्शन मुलतवी करने का खत लिख दिया। निगरान हुकूमतें ना सिर्फ जानिबदार हैं बल्कि हमारे सख्त खिलाफ हैं। खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी की जिम्मेदार पीटीआई हुकूमत है। इमरान खान हों या इनकी बेसाखियां, सब अंजाम को पहुंच गए। इमरान और उसके सहूलतकारों ने मुल्क लूटा। मरियम नवाज का बहावलपुर में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब। इमरान खान ने मुआहदे के तहत मुल्क को गिरवी रखवाया। हमें जिन हालात में मुल्क मिला, शुक्र करो पाकिस्तान बच गया। अब नवाज शरीफ के सिवा कोई च्वाइस नहीं। पार्टी ओहदों की मोहताज नहीं, अवाम की मोहब्बत के आगे ये ओहदे कुछ नहीं। मौरूसियत के ताने देने वाले, सुन ले, अवाम की मोहब्बत को जमहूरियत कहते हैं, मौरूसियत नहीं। मरियम नवाज ने कारकुनों से हलफ भी लिया। अमरीकी डॉलर की आज भी ऊंची उड़ान। इंटरबैंक मार्केट में डॉलर 1.26 रुपए महंगा हो गया। डॉलर 270.08 रुपए पर ट्रेड होने लगा। मार गई महंगाई, आवाम की दुहाई। मुल्क में महंगाई का 47 साला रिकॉर्ड टूट गया। अफरात जर की शराब 5 दहाइयों की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। शराह 27.6% हो गई। इससे पहले मई 1975 में अफरात जर 27.8 रिकॉर्ड की गई। जनवरी 2022 में अफरात जर की शराह 13% थी। पोर्ट पर फंसे कंटेनर्स के बायस चाय की पत्ती की किल्लत का खदशा। पोर्ट पर चाय की पत्ती के सैकड़ों कंटेनर्स मौजूद। साबिक चेयरमैन पाकिस्तान टी एसोसिएशन ने पत्ती की शदीद किल्लत और कीमतों में इजाफे का खदशा जाहिर कर दिया।
नेवल चीफ अमजद खान न्याजी का तुर्बत में पाक बहरिया की तंसीबात का दौरा। तर्जुमान पाक बहरिया के मुताबिक नेवल चीफ ने तुर्बत में जदीद तिब्बी आलात से आरास्ता अस्पताल का इफ्तिताह किया। एडमिरल अमजद खान न्याजी को तुर्बत में पाक बहरिया की ऑपरेशनल तैयारी पर ब्रीफिंग दी गई। नेवल चीफ ने अफसरान और जवानों की हरबी तैयारियों पर मुकम्मल इत्मीनान का इजहार किया। कोयटा समेत बलोचिस्तान के बेशतर अजला में मौसम आज सर्द और खुश्क रहेगा। कोयटा में कम से कम दर्जा हरारत 3 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। ज़ियारत -2, कल्लात में -3 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। कराची में आज कम से कम दर्जा हरारत 9.5 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। पीसीबी में अखाड़ प्रचार जारी। 1 नहीं 2 नहीं 3 सिलेक्शन कमेटियां बनाती। शाहिद आफरीदी समेत 3 मैनेजमेंट कमेटियां रखी, ने जिम्मेदारियां संभालने से माजरत कर ली। हारून रशीद दोबारा मैनेजमेंट कमेटी में शामिल कर लिए गए। मोहब्बत, एहसास और रिश्तों पर एतबार की कहानी। एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट ला रहा है एक और शाहकार ड्रामा हम दोनों। हर जुमेरात रात 8 बजे नशर होगा। एहसन खान, हिरा मानी, इज़रा मंसूर, फैजान चावला नुमाया अदाकारों में शामिल।